मॉर्निंग सबको, आज हम लोग पम्पकिन के फ्लावर का पकोड़ा बना के दिखाएंगे। तो अभी मेरे बगान से पम्पकिन के फ्लावर को तोड़ रहा है, आप देख सकते हो, तो रख रहा है। बहुत टेस्टी होता है इसका पकोड़ा। दो तीन ही है, उतना भी इनफ है। सकते हो आप हमारे पम्पकिन के फ्लावर्स। देखो यहाँ पे इतना सुंदर है, मैंने सोचा कि वो हो गया, पर अलग बगान की तरफ गया तो देखा और भी है, तो मैंने गया और प्लक किया। को भी आप ले सकते हैं। और आप बोल रहा होगा ये तो पम्पकिन बनना चाहिए, आप क्यों तोड़ दे रहा है, पर ऐसा है कि ये जो फ्लावर है इसके नीचे में एक बड जैसा रहेगा, वो पम्पकिन आगे बढ़ के फ्रूट बने वेजिटेबल बनेगा। तो ये इसका जस्ट फ्लावर है, तो वी कैन ईट दिस। आपको पता है ये जो है, देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है पम्पकिन, ये पम्पकिन ग्रो होगा बड़ा होके, तो इसलिए ये पम्पकिन ग्रो होगा तो वी कैन प्लक आवर फ्लावर एंड ईट एंड मेक सम बेसन का पकौड़ा विथ द हेल्प ऑफ दिस पम्पकिन फ्लावर। हमारे यहाँ तो पम्पकिन के प्लांट को भी खाता है, ये प्लांट को ऐसे तोड़ के इसको बॉईल करके हम लोग खाता है, पर अभी मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। तो पम्पकिन का ओवरऑल सब कुछ को खाता है, ये तो बुरा हो गया, इसको नहीं खाएंगे, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट को और ये ब्रांच को डायरेक्ट प्लग करके बॉईल बना के खाता है। तो अभी के लिए ये फ्लावर की पकौड़ा बनेंगे आज। तारा, इतना सुंदर ये फ्लावर आप देख सकते हो, एंड सब ये ईटेबल है। आप भी अभी नेक्स्ट टाइम से अपने पम्पकिन के फ्लावर को खाइए, ना फेंकिए, ना सड़ने दीजिए। हम अपने फ्लावर पम्पकिन के फ्लावर को धोएंगे, इनके फ्लावर को साफ करेंगे जस्ट हल्का सा डीप करके, इतना गंदा नहीं होते फ्लावर था, तो ऐसे जस्ट हल्का सा करके साफ कर देना, फिर रखना यहाँ पे। पम्पकिन के फ्लावर धो के हो गया है, आप देख सकते हो। अभी हमारा बेसन लिया है एंड सम कॉर्न फ्लावर रिमिक्स करेंगे। बेसन डाल रहा है, सम कॉर्न फ्लावर, सम सॉल्ट, रेड पाउडर डालो, पानी हो गया, मिलाएंगे अभी डालेंगे, इसे बनाएंगे। हमारा ये पेस्ट बेसन का रेडी हो गया है, अभी घी भी गर्म हो गया, एंड हमारा ये फ्लावर लेंगे एंड इसको जस्ट डीप करेंगे, डीप करके अच्छा तरह से डीप करेंगे, गैस कम है ना। अभी हम अपने फ्लावर के पकौड़ा बनाएंगे, ये गर्म देंगे। देखो आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाने से हम लोग इसको चेंज कर देंगे, देख सकते हो कितना टेस्टी दिख रहा है। तो ये हमारे हैं, फ्लावर का, पम्पकिन के फ्लावर हो गया है, आप देख सकते हो एकदम रेड रेड है, क्रिस्पी हो चुका है। इसमें डाल रहा है चीनी, खाने में बहुत ही टेस्टी, खाने के बाद एकदम टेस्टी। हल्का सा फ्राइड राइस एंड आलू टिक्किया, आलू चटनी एंड सम बॉइल एग के साथ हमने जो गरम गरम बनाया है पम्पकिन के पकौड़ा, इसको खाएंगे। आप भी अपने घर में ऐसे पम्पकिन के फ्लावर से ऐसे पकौड़ा बना सकता है, एकदम डिलीशियस है एंड क्रिस्पी, वाह, देख सकते।